ईरान और इसराइल मिडिल ईस्ट के ये दो मुल्क युद्ध लड़ने के लिए आतुर हैं। दोनों के बीच वार और पलटवार का दौर चल रहा है। ईरान तो इसराइल के निशाने पर है ही, साथ ही लेबनान और सीरिया भी उसके टारगेट पर हैं। इन तीन मुल्कों में इसराइल जमकर तबाही मचा रहा है। इस बीच पेजेश्कियान ने बुधवार को एक फोन कॉल के दौरान गाजा और लेबनान में चल रहे इसराइली उल्लंघनों पर देश के रुख के लिए ओमान का धन्यवाद दिया। उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच अधिक एकता का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देश एकजुट होकर काम करें तो इसराइल इतनी आसानी से उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा और ना ही अमेरिका और पश्चिमी देश उसका समर्थन कर पाएंगे। पेजेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि ओमान के साथ संबंध इस्लामिक गणराज्य के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की इसकी व्यापक रणनीति के अनुरूप है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि गाजा और लेबनान में उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों का समर्थन करना एक प्रमुख प्राथमिकता है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर पलटवार करते हुए उस पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। बदले में 2 अक्टूबर को इसराइल ने लेबनान और सीरिया में हमला किया। स्ट्राइक लेबनान की राजधानी बेरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई। इसराइल के हमले में लेबनान में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं सीरिया के हमले में हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह के दामाद की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। वहीं हिजबुल्ला और ईरान से संघर्ष के बीच अब अरब देशों ने इसराइल को बड़ा झटका दिया है। ईरान को ये भरोसा दिलाया गया कि वे तेहरान और इसराइल के बीच लड़ाई में तटस्थ बने रहेंगे। अरब देशों ने इस बात पर चिंता जताई कि क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से उनकी तेल सुविधाओं को खतरा हो सकता है। इसे इसराइल के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले अप्रैल में ईरान के हमले के समय अरब देशों ने इसराइल का साथ दिया था। हालांकि तेहरान ने कहा है कि उसका हमला खत्म हो चुका है, लेकिन अगर इसराइल ने उकसावे वाली कार्रवाई की तो फिर से निशाना बनाया जाएगा। वहीं इसराइल ने ईरानी हमले का जोरदार जवाब देने का वादा किया। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान के अंदर तेल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बना सकता है।